हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडीई। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। इससे पहले हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट पर डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट को आज डिस्कस कर लेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा कि नाम है कि इसमें कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। ये एक ऐसा पावर प्लांट है कि जो अगर हम इफ़िशियंटली इसको यूज कर लें तो इन पावर प्लांट से जो है पूरे इंडिया या कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो हमारे पूरे विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं हो पा रहे हैं। तो उन सब पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे आज कि उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, कि अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम पूरे वर्ल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं इसमें जो हमारे फ्यूल यूज होता है वो इस टाइप का फ्यूल होता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम 235 और थोरियम 232। इस टाइप के जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनका हम न्यूक्लियर फिशन करते हैं। न्यूक्लियर फिशन मतलब अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन, केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर, उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है ये। तो इन एलिमेंट्स का जो हम नाभिकीय विखंडन कराते हैं वो एक स्पेशल एपरेटस में कराते हैं। उस स्पेशल एपरेटस को हम बोलते हैं रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसकी वर्किंग को जानने से पहले कुछ टर्म्स हम जानेंगे, जैसे रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि नेचर में कुछ ऐसे स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, तो वो सेल्फ डेजिग्नेट होते रहते हैं। सेल्फ डेजिग्नेट डेजिंटीग्रेट का मतलब स्वतः विघटित होना, यानी कुछ ऐसे अस्थायी तत्व होते हैं जो स्वतः विघटित होते रहते हैं। इस घटना को हम रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स तब तक विघटित होते रहते हैं जब तक कि वो अस्थायी एलिमेंट जो है स्थायी एलिमेंट में ना कन्वर्ट हो जाए, यानी अनस्टेबल एलिमेंट जो है वो जब तक कि स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तक डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। तो हमारी जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो वो जिसे हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, इस रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है हमारा एलिमेंट स्वतः ही विघटित होता रहता है। दूसरी रेडियो एक्टिविटी होती है उसको हम आर्टिफिशियली कहते हैं, इसमें हम किसी एक्सटर्नल तरीके से हम उस एलिमेंट का विघटन कराते हैं। तो जब भी हम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का विघटन कराते हैं तो उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उस प्रोसेस में हमारे कुछ रेडिएशन एमिट होते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज। रेडियो एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे 92 यूरेनियम 238, ये जो हमारा विघटित होता है 2Hg4 और 90 थोरियम 234 में। इसी तरह से 94 प्लूटोनियम 239 का जो विघटन होता है वो 2Hg4 और 92 यूरेनियम 235 में होता है। तो इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो विघटन हम कराते हैं जिसे हम फिशन बोलते हैं उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, यानी बहुत छोटे से यूरेनियम में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो यूरेनियम 235 पर अगर हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो उसमें हमको ये यूरेनियम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक लैंथेनम 148 और ब्रोमीन 85, और साथ में तीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अगर इसकी मास रिएक्शन की बात करें तो यूरेनियम 235 का मास 235.124, न्यूट्रॉन 1.009, लैंथेनम 147.961 और ब्रोमीन 84.938 और थ्री इलेक्ट्रॉन्स का 3.027। तो अगर
हम जनरली बात करें कि एक यूरेनियम 235 के विखंडन पर हमको अप्रोक्स 200 MeV एनर्जी मिलती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जिसको अगर हम वाट या जूल में कन्वर्ट करते हैं तो वो ये आता है 3.2 × 10⁻¹¹। तो एक्चुअल में न्यूक्लियर फिशन है क्या? न्यूक्लियर फिशन एक नाभिक के विखंडन का एक प्रोसेस है, जिसमें हम किसी भी रेडियो एक्टिव एटम्स को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, और उसका जो ब्रोकन होता है वो हम न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से कराते हैं, या कह सकते हैं आरटीबीसीएली। इस ब्रेकिंग में एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो है हम इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक्चुअली जो हमारी हीट लॉस होता है ड्यूरिंग इस प्रोसेस के जरिए, जो हमारा हीट लॉस होता है, वो उस हीट लॉस को हम इस आइंस्टीन के फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो है इसका थर्मल पावर प्लांट की तरह ही होता है बिल्कुल। बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि वहां पर हम स्टीम जनरेशन किससे कर रहे थे, बॉयलर के थ्रू, जबकि यहाँ पर हम स्टीम का जनरेशन जो है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के जरिए करेंगे। और उसके बाद उस स्टीम को बिल्कुल थर्मल पावर प्लांट की तरह हम स्टीम टरबाइन पे ले जाएंगे, और वो टरबाइन जो है स्टीम की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और उसके साथ कपल्ड होता है हमारा अल्टरनेटर, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हालांकि जो न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है वो हमारा बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन अगर बात की जाए कंपेरिजन टू कोल, तो 1 kg के यूरेनियम के विखंडन में जितनी एनर्जी हमारी रिलीज होती है, या जितनी हीट हमको मिल जाती है, वो अप्रोक्स इक्विवेलेंट होती है 4,500 मीट्रिक टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल, यानी अच्छी क्वालिटी का 4,500 टन कोल जो है हमको स्टीम दे रहा होगा, उतनी स्टीम हमको 1 किलोग्राम यूरेनियम से मिल जाएगी, यानी बहुत कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, यानी बहुत कम फ्यूल से ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाना, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फ्यूल कॉस्ट जो है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसलिए इनकी जनरेशन कॉस्ट जो होती है वो कोल और डीजल पावर प्लांट से कम होती है। तो ये देखिए इसका बेसिक सिमेटिक डायग्राम है, जिसमें हमारा ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। इस रिएक्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स, बाहर कूलेंट, हीट एक्सचेंजर, स्टीम टरबाइन और जनरेटर, और यहाँ पर कंडेंसर। तो यहाँ का पार्ट आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल थर्मल पावर प्लांट की तरह है। ठीक है, यहाँ की वर्किंग देख लेते हैं। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, इनमें यूरेनियम का विखंडन कराया जाता है, और यूरेनियम के विखंडन जो है इलेक्ट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट से कराया जाता है, यानी एक यूरेनियम है, सपोज यूरेनियम 235, इस पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और साथ में तीन न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं। वो तीन न्यूट्रॉन्स बाकी एलिमेंट्स पर बम्बार्डमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो यानी इस तरह से तीन न्यूट्रॉन्स ने तीन तीन न्यूट्रॉन
रिलीज किया, यानी अब हो गए नॉन न्यूट्रॉन्स। इसी तरह से ये रिएक्शन बढ़ती जाती है और एनर्जी रिलीज होती जाती है। हर एक प्रोसेस में जब 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं उसके साथ ही साथ एक एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो फ्यूल रॉड्स होती हैं ये यूरेनियम की बनी हुई होती हैं, तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कभी कभी ये रिएक्शन इतनी तेज हो जाती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर फटने का भी डर रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम कंट्रोल रॉड्स लगाते हैं। ये कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। अगर रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है तो ये कंट्रोल रॉड्स को हम डिप कर देते हैं डीपली अंदर तक, इससे ये क्या करते हैं कि ये न्यूट्रॉन से टकराने लगती हैं, न्यूट्रॉन इनसे टकराने लगते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे जैसे ये कंट्रोल रॉड से टकराते हैं न्यूट्रॉन जो है उदासीन होते जाते हैं और हमारी रिएक्शन जो है स्लो डाउन हो जाती है, जिससे कि न्यूक्लियर के फटने का डर कम हो जाता है ना, और ये जरूर से ज़्यादा रिएक्शन जो है ना हो पाए। उसके बाद ये जो एनर्जी जो है हम इस एनर्जी को कूलेंट में ले जाते हैं कूलेंट के जरिए। ये कूलेंट क्या करता है, इसकी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में, जिससे कि यहाँ पर जो पानी होता है हमारा वो जो है स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। इस हीट एनर्जी से स्टीम कन्वर्ट होती है, वो स्टीम जो है टरबाइन पर ले जाते हैं, टरबाइन स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे मॉडरेटर, ये सब भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कूलेंट हमने बता दिया अभी कि कूलेंट जो है क्या काम करता है, ये फ्यूल एलिमेंट से हीट को रिमूव करता है और ट्रांसफर कर देता है वाटर को, जिससे कि स्टीम जनरेट हो जाए। एक अच्छा कूलेंट जो है ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब ना कर सके, नॉन ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन कोरोसिव एंड हैव अ हाई केमिकल एंड रेडिएशन स्टेबिलिटी, और इसमें अच्छी हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जो कूलेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम, ये जो है कूलेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। कैनिंग मटेरियल्स, ये एक बंद पात्र की तरह होते हैं जिसमें हम फ्यूल को ले जाते हैं ताकि हमारा फ्यूल जो है कंटेमिनेट ना हो, यानी कि दूषित ना हो। कैनिंग मटेरियल में हम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। मॉडरेटर मटेरियल्स, इनका काम होता है हमारी रिएक्शन को स्लो डाउन करना। रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी तरह से न्यूट्रॉन जो है बहुत तेज से रिलीज होते जाते हैं और वो अगले पार्टिकल्स पर बम्बार्डमेंट करते जाते हैं और बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा रिएक्शन रिमूव होती जाती है, तो उस रिएक्शन को बहुत तेजी से रिएक्शन होती जाती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उससे उस रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम इन मॉडरेटर मटेरियल्स का यूज करते हैं। लास्ट टर्म है इसका फिसाइल एंड फर्टाइल मटेरियल्स। फिसाइल मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जो न्यूट्रॉन फिशन जिनका आसानी से हो जाता है, जैसे कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239। हालांकि इनमें से सिर्फ यूरेनियम 235 ही इजीली अवेलेबल होता है नेचर में। इसके अलावा फर्टाइल मटेरियल्स वो होते हैं जो जिनका नाभिकीय विखंडन हम नहीं कर सकते, जैसे कि यूरेनियम 238, थोरियम 232। लेकिन अगर हमें जहाँ पर यूरेनियम अवेलेबल नहीं है तो उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 में। ये जो मटेरियल होते हैं ये फिशनेबल होते हैं, और अगर बात करें इनकी यूरेनियम 238 की और थोरियम 232 की, ये फिशनेबल नहीं होते हैं, तो इनको जो है हम फर्टाइल मटेरियल्स बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहला एडवांटेज है इसमें कि जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसकी जो जनरेटिंग कॉस्ट होती है वो अदर कन्वेंशनल पावर स्टेशन से कम होती है। दूसरा एडवांटेज है कि ये पावर प्लांट जो है बहुत कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है कंपेरिजन टू अदर कन्वेंशनल पावर प्लांट। थर्ड एडवांटेज है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि
हमारा स्टीम पावर प्लांट में होती है, तो इसलिए इनको जो है किसी रिवर के आसपास बनाने की रिक्वायरमेंट या मैंडेटरी नहीं होता है। थर्ड एडवांटेज है कि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए इसको जो है किसी रेलवे ट्रैक के आसपास बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट को होती है, जिससे कि हम कोयला या हैवी मशीनरी जो है आसानी से पहुंचा सकें। लेकिन इसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसलिए इसको किसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के आसपास बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसको कहीं भी लोड सेंटर के आसपास बनाया जा सकता है। अगला एडवांटेज है इसका कि इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि अगर आने वाले कई हज़ार वर्षों तक इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जिनकी वजह से जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट व्यापक रूप से उपयोग में नहीं आ पा रहा है, बहुत कम ही न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी भी बने हैं। पहला तो डिसएडवांटेज है कि इसका जो फ्यूल है वो आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा जो है इस पावर प्लांट की जो इनिशियल कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा एलिमेंट वो जो फ्यूल यूज हो रहा है वो उसके विखंडन से रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अगला डिसएडवांटेज इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत स्पेशल ट्रेंड व्हीकल जो हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले पीपल को भी ये काफ़ी हार्म करता है। अगला जो डिसएडवांटेज है कि इसमें जो डिस्पोजल होते हैं, डिस्पोज प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको डिस्पोज करना जो है बहुत कठिन काम होता है। तो ये था न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोलर पावर प्लांट। थैंक यू।